कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल। टुडे आई एम शेयरिंग अनदर ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ एक मजीद नया ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी दोस्तों, तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सफ़र है मशहद से कुम का, ठीक है। क्योंकि मशहद में हमारे 3-4 दिन हो चुके थे और अब हम जा रहे हैं कुम की तरफ, ठीक है। तो रास्ते में जो है वो हमारी अतराफ की ज्यारतें आएंगी, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बीबी शेरवानी की ज्यारत, ठीक है। और उनकी वो जगह जहाँ पर वो इबादत करती थी, इबादत गाह उनकी दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीबी शेरवानी की ज्यारत के लिए, ठीक है। ये उनकी जो है वो ज्यारत गाह बनी हुई है। यहाँ पे अंदर आप जाएंगे तो आपको एक ज़री मुबारक मिलेगी, ठीक है। और नमाज़ पढ़ने की जगह आप ऊपर देख सकते हैं आस्ताना मुबारक हज़रत बीबी शेरवानी के नाम से, ठीक है जी। यहाँ पे आप सीधा जाएं और राइट साइड पे जेंट्स का है और लेफ्ट साइड पे लेडीज़ का था, ठीक है। ये साइड लेडीज़ का है जी, ठीक है। और यहाँ पर जेंट्स का था, वहाँ पर वज़ू खाना था। तो जी अब मैं आप लोगों करवाने आई हूँ ज़्यारत। यहाँ पे आप ज़्यारत कर लें, अब्बास ज़्यारत करेगा, हम सब ज़्यारत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, देन फिर हम आगे चलेंगे। आप लोगों को वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पे बीबी शेरवानी इबादत किया करती थी, ठीक है। उनकी इबादत का दिखाऊंगी। बेसिकली वो जगह जो है वो एक गार की तरह बनी हुई है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहीं पे बनी हुई है, पहाड़ी पे ही, ठीक है। पहाड़ी पे बनी हुई थी जिसको स्टेयर्स बना दिया गया ताकि लोग आराम से ज़्यारत कर सकें, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे वो इबादत किया करती थी, ठीक है। यहाँ पे दुआ मांगी जाती है और बोलते हैं कि कबूल होती है। अमूमन तो जो भी आप ज़री मुबारक से, किसी की भी ज़री से आप दुआ मांगते हो, मौला रज़ा की हो, बीबी शेरवानी की हो, या उनके किसी फर्जंद की हो, ठीक है, किसी की भी हो, मतलब जो भी हम ज़ियारत वगैरह करते हैं तो दुआएँ कबूल होती हैं। दिल से यकीन रखें तो लाजमन दुआ आपकी कबूल होगी, ठीक। अब जी हम जा रहे हैं अतराफ़ की ज़ियारत करने मज़ीद, ठीक है। और ये अब्बास अपने दादा के साथ है। आप सोच रहे होंगे कि पूरे व्लॉग में इसका दादा ही नज़र आया, इसके साथ इसका बाबा क्यों नहीं है? तो वो भी मैं आपको लोगों को बताती चलूँ कि इसके बाबा जो हैं वो हमारे साथ ज़्यारतों पर नहीं चले थे, क्योंकि उनका यहाँ पे कुछ काम हो गया था जिस वजह से वो नहीं आ सके थे हमारे साथ। तो जी अब मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ कुछ ज़्यारतें करवाने। ज़्यारतें हम करेंगे जनाब ताहिर की, अब्दुल अज़ीम की, ठीक है, अब्दुल शाह गाज़ी वालिद की, इमाम मूसा काज़िम के फर्जन की, ठीक है। ये 3-4 ज़्यारतें हम करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम चलते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़्यारत करवाऊँगी जनाब ताहिर की। तो चलते हैं जी अंदर। इस तरह से कुछ ज़री मुबारक बनवाए। अच्छा, एक ही जगह पर ये सारी ज़्यारतें हैं, ठीक है। तीनों ज़्यारतें एक ही जगह में हैं अंदर, और इसकी जो है ये जगह जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सामने आप देख रहे हैं ये सबील लगी हुई थी जगह जगह, ठीक है, पानी की, और कंस्ट्रक्शन इनकी अभी चल रही थी, पूरी तरह से बनी हुई नहीं थी अभी। ये बाहर का एरिया जो इनका सहन है वो भी पूरी तरह से बना नहीं, अंदर का पूरा काम हो चुका है, अंदर पूरी बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जी सीधा हम जाएंगे, सीधा स्ट्रेट आप जाओगे ना गेट में एंटर होने के साथ ही, आप राइट हैंड पे देखोगे तो स्ट्रेट यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं, ठीक है। और वहाँ से सीधा सीधा आप जाते जाओगे तो आप चले जाओगे जनाब ताहिर की रोज़े पे, ठीक है, उनकी ज़्यारत गाह पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखा रही हूँ, ये आप ओवरव्यू देख लें, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने काफ़ी देर बैठे थे, दुआएं मांगी थी, नमाज़ पढ़ी थी। जब भी जिसकी भी ज़री पे आप जाओ, जिसकी भी रोज़े पे आप जाओ, तो उसके लिए आप 2 रकत नमाज हाजात पढ़ लें, ठीक है, तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह ताला। और जी यहाँ पे हमने 2 रकत नमाज़ पढ़ी थी इनकी ज़री के पास ही बैठ के। उसके बाद जी हम दूसरे सहन में चले गए थे। यहाँ पे जी किसकी ज़्यारत है? अब्दुल अज़ीम की, ठीक है, जो अब्दुल शाह गाज़ी के वालिद हैं। अब मैं आपको उनकी ज़्यारत कराने लग गई हूँ, ठीक है। ये उनका पूरा एरिया बना हुआ है, ठीक है, उनकी पूरी जो ज़री है वो इस तरह से बनी हुई है, पूरा मिरर वर्क हुआ हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वहाँ पे सुकून है, एक तबस्सुम मिलने वाली जगहें हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली अगर आप ज़्यारतों पे जाते हो तो आपको हर जगह पे, हर गुंबद पे, हर रोज़े पे, हर ज़री पे आपको एक दिल को तस्कीन मिलेगी अगर आप सुकून से बैठो, नमाज पढ़ो, दुआएं मांगो। अब जी हम आ गए हैं इमाम मूसा काज़िम की औलाद की, ठीक है, उनके फर्जंद की। तो यहाँ पे जी बोलते हैं कि इमाम मूसा काज़िम के नाम लेके, ठीक है, उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर दुआ आप मांगो तो वो ज़रूर कबूल होगी, वो कभी रद्द नहीं होगी,
और इमाम मूसा काज़िम की तस्बीह पढ़ा करें यहाँ पे जाके, ठीक है, जो हर बुत पढ़ी जाती है, जो पढ़ते होंगे उनको यकीनन पता होगा, ठीक है, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफर या बाबुल हवाइज अदरकिनी, ठीक है, ये तस्बीह पढ़ी जाती है यहाँ पे। अब जी मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ मज़ीद एक और ज़्यारत के लिए। ये जी ज़्यारत है इमाम खुमैनी की, ठीक है, उनका जो है वो यहाँ पे रोज़ा बनाया हुआ है काफ़ी, वो भी बड़ा है। और अब्बास के साथ हम खेल रहे थे, वो चल नहीं रहा था तो उसको हम खेल रहे थे, अब्बास भाग भाग भाग, तो अब्बास जल्दी से स्पीड में भाग रहा था क्योंकि वो ऐसे चल नहीं रहा था, मुझे बोल रहा था मम्मा गोद में उठाओ, तो हम सब खेलते खेलते उसको आगे ले गए थे। अच्छा जी, ये हम जरी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब्बास ने माजा सीन कर दिया था, मैं अंदर चेकिंग करवा रही थी और ये जल्दी से जरी के पास आ गया था और मैं उसे ढूंढ रही थी ये कहाँ गया। एक सेकंड के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी कि ये बच्चा कहाँ गुम हो गया, कहीं रश में कहीं भीड़ में इधर उधर ना हो गया। बहरहाल फिर ये जरी पे ही पहुँचा था, जल्दी जल्दी से भाग गया था आगे और फिर हमें मिल गया था। और ये जी इनका बहुत बड़ा सहन बना हुआ है, बहुत बड़ी जरी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जी मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और आगे कुम का जो ब्लॉग है वो हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आप मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।